धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेम निशानी। मेरे बड़े लड़के अमरजीत सिंह की शादी को 15 वर्ष हो चुके थे, परंतु अभी तक संतान नहीं हुई थी। वह मुझे अक्सर कहता रहता था कि परमपिता जी से संतान के लिए अर्ज करो, परंतु मैं उसकी बात को यह कहकर टाल देती कि मालिक तो अंग संग है, जब मालिक की रहमत होगी तो हो जाएगा। सन 1985 में परम पिता जी मलोट आश्रम में पधारे। मजलस के बाद जब परम पिता जी घूमने जा रहे थे तो अचानक मुझे कहने लगे, बेटा तेरे पोता पोती सब ठीक हैं? मैंने उदास मन से कहा, पिताजी मेरे लड़के की शादी हुए 15 वर्ष हो गए हैं, अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई। इस पर परम पिता जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुझे एक प्रेम निशानी दे रहे हैं, इसे अपने पोते पोतियों को पहना देना। उसी समय परम पिता जी ने मुझे एक फ्रॉक तथा कुछ अन्य कपड़े दिए। मैं यह प्रेम निशानी लेकर फूले नहीं समा रही थी। परम पिता जी की दया मेहर से 15 वर्ष बाद मुझे एक पोता व 2 पोतियों का सुख मिला। इस प्रकार सतगुरु अपने जीव की हर जायज मांग को पूरी कर देता है। सेवा का फल। यह बात 10 अक्टूबर 1988 की है। मैं बिजली बोर्ड में लाइनमैन के पद पर नियुक्त था। मुझे मासिक सत्संग पर आश्रम में जाना था, परंतु छुट्टी ना मिलने की वजह से जा नहीं सका। उसी दिन शाम को मैं सांगला गांव में 1000 वोल्टेज पर काम कर रहा था। अचानक दुर्घटना हुई और बिजली की तार मेरे कंधे से छू गई, कपड़ों में आग लग गई और मेरा सारा शरीर बुरी तरह झुलस गया। मैं 2 दिन तक अस्पताल में बेहोश रहा। मेरी हालत गंभीर थी। इस सारी दुर्घटना की जानकारी मेरे रिश्तेदार श्री परशोत्तम लाल के माध्यम से परम पिता जी तक पहुंची। परम पिता जी ने प्रसाद देते हुए फरमाया, यह प्रसाद जंगीर सिंह को जाकर खिला देना। उन्होंने वह प्रसाद लाकर मुझे दे दिया। मैंने उस प्रसाद को ग्रहण किया और लगभग 20 दिन में मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, जबकि डॉक्टरों के अनुसार मुझे ठीक होने में लगभग 1 वर्ष लगना था। मैं साध संगत के सहयोग से मासिक सत्संग में पहुंचा तो परम पिता जी ने वचन फरमाए, बेटा बहुत भयानक कर्म था, सूली से सूल हो गया, यह साध संगत की सेवा का ही फल है। इस प्रकार परम पिता जी ने मुझे नई जिंदगी बख्शी। विश्वासी का मालिक जिम्मेवार। एक दिन मैं अर्ध जागृत अवस्था में सोया हुआ था, अचानक मुझे परम पिता जी के दर्शन हुए। मुझे आशीर्वाद देते हुए परम पिता जी ने फरमाया, बेटा कल तेरी बस के नीचे आकर एक आदमी ने मरना है, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, उसकी मौत इसी प्रकार से होनी है, हम तेरे साथ हैं। इसी के साथ सारी घटना का दृश्य भी दिखा दिया। मैं उस समय डर गया, परंतु मैंने इसे मात्र स्वप्न समझा। अगले दिन मैं चंडीगढ़ से सरसा के लिए बस लेकर चला तो रास्ते में जीरकपुर पहुंचकर रात वाला सारा दृष्टांत मेरे सामने था। बस सवारियों से भरी हुई थी। बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले ही एक आदमी चलती बस पर लटक गया और दूसरे वाहन की चपेट में आकर बस के पिछले टायर के नीचे कुचला गया। बस में छोर मच गया। मैंने बस रोकी तो सवारियों ने कहा कि कोई व्यक्ति बस के नीचे आ गया है। मैंने देखा कि वह व्यक्ति खून से लथपथ सड़क पर पड़ा करा रहा है। मैंने उसी बस में उसे PGI अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वह दम तोड़ गया। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई।
मैंने उस पुलिस अधिकारी को समझाया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने बस में लगे परमपिता जी के स्वरूप को देखा तो उसके बोल चाल व स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर आ गया। उसने मुझसे पूछा कि क्या तू इन संतों का सेवक है। मैंने कहा कि हाँ जी, ये सच्चा सौदा सरसा वाले संत हैं। उस पुलिस अधिकारी ने मुझे हौसला दिलाया कि तू बिल्कुल ना घबरा, तेरा कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। बस को थाने ले जाया गया। वहाँ मृतक व्यक्ति के परिवार वाले भी आ गए। उस पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार रिपोर्ट तैयार की कि उस मृतक को भी सर्विस लाभ, पेंशन व बकाया बीमा मिल सके, क्योंकि वह भी एक सरकारी कर्मचारी था। और मेरे बारे में लिखा कि बस ड्राइवर ना तो नशा करता है और ना ही लापरवाही से चला रहा था। उसने हमारा राजीनामा करवा दिया। फिर उस पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया कि रिपोर्ट लिखते वक्त मेरे सामने एक सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए लंबे कद, सुंदर व आकर्षक स्वरूप में एक बाबा जी हाथ में लाठी लिए तब तक खड़े रहे जब तक कि मैंने सब कुछ लिख नहीं दिया। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे बच्चे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आप पर तो बाबा जी बहुत मेहरबान हैं। मैंने अपने दिल से परमपिता जी का शुक्राना किया और सोचा कि किस प्रकार परमपिता जी ने मेरी जान छुड़ाई। फिर मैंने उस पुलिस अधिकारी का शुक्राना किया और सीधा सरसा आश्रम में पहुंच गया। उस समय परमपिता जी शाम की मजलिस में विराजमान थे। मैंने सारी घटना परमपिता जी को सुनाई। परमपिता जी ने फरमाया, बेटा, जिसको मालिक पर विश्वास है, मालिक उसका जिम्मेवार है तथा उसके सारे काम स्वयं ही करता है। जो मालिक का हो जाता है, मालिक भी उसका हो जाता है। यह बात सन 1988 की है। मेरा पौत्र मात्र एक सप्ताह का था कि अचानक वह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। मैं शाम के समय परमपिता जी के दर्शन के लिए आश्रम में पहुंचा। उस समय परमपिता जी मजलिस के बाद गुफा की ओर जा रहे थे। मैंने नारा लगाया और नारा सुनकर परमपिता जी रुक गए। मैंने अर्ज की, पिताजी, पौत्र बीमार है। इस पर परमपिता जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा, घर जाकर सुमरण करो, मालिक पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने घर पहुंचकर ऐसा ही किया। सारे परिवार ने बैठकर सुमरण किया। कुछ ही देर बाद लड़के की हालत में सुधार आने लगा। उसकी हालत में सुधार देखकर सभी खुश हो गए। इस प्रकार परमपिता जी ने हमारे बच्चे का बिना दवाई के ही रोग दूर कर दिया और उसे नई जिंदगी दी। लड़का सुरक्षित घर आ गया। यह सन 1977 की बात है। मेरा 10 वर्षीय लड़का घर से नाराज होकर कहीं चला गया। हमने उसे सभी जगह तलाश किया परंतु वह नहीं मिला। हम निराश होकर घर बैठ गए। हमारे सभी रिश्तेदार मनमुख थे। वे कहते रहते थे कि आपने सभी देवी देवताओं को भुला दिया है, इसीलिए यह मुसीबत आई है। परंतु हमें अपने मुर्शिद पर पूर्ण विश्वास था। हमने परमपिता जी से अरदास की कि पिताजी, हमारी लाज रखो। अगले ही पल परमपिता जी प्रत्यक्ष नूरी स्वरूप में मेरे सामने खड़े थे। मुझे आशीर्वाद देते हुए वचन फरमाया, बेटा, घबराना नहीं, कोई बात नहीं, एक दो दिन का काम है। इसके बाद परमपिता जी अदृश्य हो गए। उसी समय मुझे विश्वास हो गया कि लड़का सुरक्षित है और मिल जाएगा। कुछ दिन बाद मैं सच्चा सौदा आश्रम में पहुंच गया। परमपिता जी के चरणों में लड़के के बारे में प्रार्थना की। इस पर परमपिता जी ने वचन फरमाया, बेटा, सतगुरु किसी का 4-5 साल का कष्ट 4-5 दिन में ही
भुगतवा सकता है। इंसान को घबराना नहीं चाहिए, उस मालिक पर भरोसा रखो। इससे स्पष्ट हो गया कि मुझे लड़के की तलाश में 4-5 साल तक भटकना था। उसी दिन शाम को मेरा लड़का घर आ गया। उसने बताया कि परम पिताजी स्वयं उसे घर तक छोड़ कर गए हैं। हमने परम पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सभी गुरुओं के दर्शन नामदान लेने से पहले मैं अपने आप को बहुत बुद्धिमान, चालाक व होशियार समझता था। सन 1984 में मैं अपने चाचा जी के साथ सत्संग सुनने आ गया। परम पिताजी स्टेज पर विराजमान थे। अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप मेरे मन ने अंदर से ख्याल दिया कि संत जी सिख हैं। मैं इन्हें सिख गुरु साहबानों की तरह समझूं या अन्य धर्म गुरुओं की तरह, यह प्रश्न अभी मेरे मन में ही था। जैसे ही मैंने स्टेज की तरफ देखा तो मेरे मन को उसका उत्तर उसी समय मिल गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि मुझे परम पिताजी के रूप में कई धर्म गुरुओं के साक्षात दर्शन हुए। मैंने सोचा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। मैंने पूरी तसल्ली की और फिर स्टेज की ओर देखा तो परम पिताजी स्टेज पर विराजमान हैं और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे मन का सारा भ्रम दूर हो चुका था। मैंने उसी सत्संग पर नामदान प्राप्त कर लिया। मालिक भली करेगा, मेरी पत्नी को किसी बीमारी की वजह से दौरे पड़ते थे। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिला। अंत में डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि इसका इलाज असंभव है। इसके बाद मैं उसको लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा आया और परम पिताजी को सारी बात बताई। परम पिताजी ने प्रसाद देकर फरमाया, बेटा सुमरण करो, मालिक भली करेगा। परम पिताजी के वचनानुसार मैंने और मेरी पत्नी ने सच्चे तड़प से सुमरण किया। इसके बाद आज तक मेरी पत्नी को कभी भी दौरा नहीं पड़ा। वह आज भी अपने प्यारे सतगुरु की कृपया से सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। अब दवा मत खिलाओ, यह बात सन 1966 की है। मेरी पत्नी प्रकाशी सख्त बीमार हो गई। बहुत इलाज करवाया परंतु आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करवाने को कहा। इस पर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना परम पिताजी से पूछ लिया जाए। उस समय गांव किशनपुर बराल में सत्संग था। वहां पर मैंने परम पिताजी से अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में प्रार्थना की और कहा कि पिताजी इसे दवाइयां दिलवा दिलवा कर मैं थक चुका हूँ, अब आप जी का ही सहारा है। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा अब इसे दवाई मत खिलाओ, सभी सुमरण करो, मालिक सब ठीक करेगा। परम पिताजी के वचनानुसार मेरी पत्नी बिना दवाई के ही ठीक हो गई तथा उसका ऑपरेशन भी करवाना नहीं पड़ा। सन 1961 की बात है। एक रात जब मैं सुमरण करने बैठा तो मुझे परम पिताजी ने साक्षात दर्शन दिए और फरमाने लगे, बिजाई करते समय ध्यान रखना कि चने का बीज नीचे गहराई में गिरना चाहिए। यदि इस विधि से चने की बिजाई करते हो तो लगभग 650 मण चना पैदा होगा। मैं यह सोचकर हैरान था कि इस समय तो चने की बिजाई की रुत नहीं है, लेकिन मैंने अपने सतगुरु के वचनानुसार ऐसा ही किया। यह देखकर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहने लगे कि विपरीत मौसम में खेत में चने के बीज बो रहा है, इससे अच्छा तो किसी को दान में दे देता, किसी का पेट तो भरता। मैंने किसी की परवाह नहीं की और बिजाई कर दी। चने की भरपूर पैदावार हुई। चने निकालने से पहले ही मैंने बता दिया था कि 650 मण हैं, क्योंकि मुझे अपने मुर्शिद के वचनों पर पूरा भरोसा था। इस तरह से
परम पिताजी ने हमें प्रतिकूल मौसम में ही चने की फसल से मालामाल कर दिया। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।